हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला व्याकरण दो अध्यायों में सृजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध खंड में पंचसंधि, लिंग प्रकरण, अलिंग प्रकरण, अव्यय, प्रत्यय, समास और तद्धित, इन छह अध्यायों की चर्चा पूर्वार्ध के भाग में की गई है। उत्तरार्ध में सार्वधातुक, असार्वधातुक और कृदंत को समायोजित किया गया है। उत्तरार्ध में सार्वधातुक प्रकरण के अंतर्गत हम क्रियादि गण का स्वाध्याय कर रहे हैं। क्रियादि गण के धातुओं के साथ ना क्रियादे सूत्र से ना आस्वर सहित विकरण होता है। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति है। ना क्रियादे सूत्र से आन विकरण होता है। अब आन विकरण होने के बाद में हमने वर्तमान और सप्तमी विभक्ति में आपके बीच पूर्व सत्र में प्रयोग सिद्ध किए थे। अब हम पंचमी में आपके बीच में आए हैं। वर्तमान और पंचमी में लगभग कोई फर्क नहीं है। वर्तमान में ती प्रत्यय आता है, ती विभक्ति आती है और पंचमी में तू आता है। ती और तू में केवल स्वर भेद है, दोनों गुणी प्रत्यय कहलाते हैं। परंतु गृह धातु से जो ना विकरण किया गया है वो ना विकरण गुणी का कोई नियम धर्म उसमें नहीं है, इसलिए ना विकरण अगुणी के अंतर्गत आता है। और ना विकरण अगुणी के अंतर्गत आने के कारण इस ग्रह धातु में रहने वाला जो रा है उस रा को संप्रसारण हो जाता है। पूर्व सूत्र के माध्यम से हमने इसको संप्रसारण किया 770 नंबर के सूत्र से। और संप्रसारण करने की व्यवस्था यही है कि जो इवर्णो या मसवर्णो नाचा पर लोप्या वर्ण रिवर्ण राम वर्ण, ये तीनों सूत्र जो कार्य करते हैं उससे उल्टा जो कार्य होता है उसे संप्रसारण कहते हैं। इवर्ण के स्थान पर या आदेश होता है उसे संप्रसारण कहते हैं। इवर्ण के स्थान पर या आदेश होता है उसे यण संधि कहते हैं। और या के स्थान पर ई आदेश होता है उसे संप्रसारण कहते हैं। ऊ के स्थान पर वा होता है उसे यण संधि कहते हैं। और वा के स्थान पर ऊ आदेश होता है उसे संप्रसारण कहते हैं। रा के स्थान पर रिरी के स्थान पर रा आदेश होता है उसे गुण संधि कहते हैं। और रा के स्थान पर रिरी आदेश होता है उसे संप्रसारण कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर तू प्रत्यय लेकर आए हैं, ना विकरण अगुणी और गुणी का कोई उसमें विकल्प नहीं है, इसलिए रा को संप्रसारण हो जाएगा। और संप्रसारण होकर गृह में रहने वाला जो रा है
उसको रिरि आदेश हो जाएगा और रिरि आदेश होकर रसरी वर्ण बनो नमंत्या स्वर हे अब कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ग्रहणाती ये परस में वर्तमान में बनाया था, यहां पर बनेगा ग्रहणातु। आशीषी तुयो तातल वा वक्तव्य आशीषी तुयो तातल वा वक्तव्य उस सूत्र का सहारा लेंगे तो तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाता है। तातण तातण आदेश होने पर जो ई है जो ना में रहने वाला आ है उस ना में रहने वाले आ को ओवेसा मीकारो व्यंजनादा वदाहा सूत्र के माध्यम से ई आदेश हो जाता है। ओवेसा मीकारो व्यंजनादा वदाहा सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ही आदेश हो जाएगा तो बनेगा क्रीणी तात, क्योंकि ये तात तातण प्रत्यय अगुणी है, ती प्रत्यय गुणी था लेकिन संप्रसारण करने के लिए ना देखा जा रहा है तो यहां पर बन जाएगा गृहनाथ। उसके बाद में गृहिणी ताम ग्रहणंतु यहां पर आ का लोप हो जाएगा तो ग्रहणंतु। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। ही विभक्ति आती है तो कुछ ना कुछ नया होता है और यहां पर भी नया काम करने जा रहे हैं। ग्रह धातु है ना विकरण किया है ना क्रिया दे, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति थी परंतु ना क्रिया दे सूत्र से ना विकरण किया संप्रसारण गृहज्या वै व्यधि वृष्टि आदि सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा। गुण की प्राप्ति थी तो हौचा हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होने पर स्थिति है संप्रसारण हो जाने के बाद में ग्रह धन ना धन ही ये स्थिति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आन व्यंजनादा वदा व्यंजनांता धौ आन व्यंजनांता धौ अर्थात ही के होने पर व्यंजनांता क्रियादि गण में व्यंजन से पड़े होने पर क्रियादे विकरण संज्ञक क्रियादि गण में व्यंजन संज्ञा आन होता है ही के परे होने पर। अब ये ध्यान रखना है ही के होने पर ना विकरण नहीं कर रहे ना क्रियादे नहीं लगेगा आन कर रहे हैं आन स्वर सहित। अब आन कर रहे हैं तो आपका प्रश्न आएगा कि क्री धाति में आन क्यों नहीं करा वहां पर भी ही थी, ब्रिय वर्ण धातु में आन क्यों नहीं किया क्योंकि वहां पर भी क्रियादि गण में ही था। तो थोड़ा इस सूत्र का अर्थ थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये सूत्र कह रहा है व्यंजनांतात व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन व्यंजन से होना चाहिए, व्यंजन वाली धातु होना चाहिए। क्री धातु में अंत में व्यंजन नहीं स्वर था, भ्रिय धातु से भ्रिय संप्रक्तो धातु में अंत में रिरि स्वर था लेकिन ग्रह धातु के अंत में हा है
तो हा व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद क्रियादि गण में आन विकरण होता है। अब ही के परे रहते ही को छोड़कर सब जगह तो ना विकरण होगा, लेकिन ही विभक्ति के होने पर आन विकरण होगा, आन आन। और जब आन विकरण हो जाएगा तो नामे स्वर है, नामे स्वर है ही विकरण के होने पर, तो ग्रह धन आन धन ही, नामे स्वर है आकार है, और नामे स्वर आकार होने के कारण हे रकारा दहन्ते, हे रकारा दहन्ते, आकार से परे यदि ही हो तो उसे ही विभक्ति का ही प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो यहां पर ही का लोप हो जाएगा, और ही के लोप होने पर जो ना था, ना आन का ना था, उसको रस्री वर्णेभ्या नो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र लग जाएगा, तो ना को ना हो जाएगा तो बनेगा ग्रहण। आप लोगों ने पूजा अर्चना करते हुए लोगों को देखा होगा, जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, अन्य देवों की आराधना करते हैं, उन अन्य देवों की आराधना करते में एक मंत्र बोला जाता है ग्रहण ग्रहण। वो ग्रहण ग्रहण जो बोला जाता है वह यही है ग्रहण ग्रहण, तुम ग्रहण करो ग्रहण करो। तो यहां पर बन जाएगा ग्रहण। सूत्र का अर्थ पुनः देख लीजिए, आन व्यंजनांतात धौ, व्यंजनांतात क्रियादे विकरण संज्ञको आन भक्ति हो परे, व्यंजन से परे क्रियादि गण में विकरण संज्ञक आन होता है नामे स्वर सहित, और नामे आ है तो हे रकारा दहन्ते से ही का लोप हो जाएगा तो बनेगा ग्रहण। ही तुयो स्तातं बा वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा ग्रहणीतात, फिर ग्रहणीतम ग्रहणीत, आनी प्रत्यय गुणी है, ना विकरण में गुण और अकरण का विकल्प नहीं है, ग्रहणानी ग्रहणाव ग्रहणाम। आत्मनेपद में ताम प्रत्यय लेकर आएंगे, ताम प्रत्यय सर्वेशाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से अगुणी है, तो वेशा मीकारो व्यंजनादा वदाहा सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, ग्रहणी ताम और संप्रसारण हो जाएगा स्वपी वची यदि नाम से, ग्रहणी ताम फिर ग्रहणी ताम के बाद में ग्रहणी ग्रहण ग्रहण आत्मने च नकारा से नाकलोप हो जाएगा और आकलोप हो जाएगा ग्रहण ग्रहण ताम, फिर उसके बाद में स्व प्रत्यय आएगा, ई आदेश हो जाएगा ग्रहणी स्व नामी कर परा प्रत्यय विकारक अमस्ता सी सवनु विसर्जनीय शांतरोपी, और उसके बाद में तम प्रत्यय आएगा तो अग्रहणी तम अग्रहणीत नहीं ग्रहणी तम ग्रहणीत, फिर आत्मनेपद में चल रहा है आताम आएगा, आताम स्व हो गया ग्रहणी स्व, फिर आथाम आएगा तो ग्रहणाथाम, फिर ध्वम आएगा तो ग्रहणी ध्वम, फिर आई आएगा आई, आई गुणी प्रत्यय है
तो गुणी प्रत्यय होने के कारण एकारे आई आईकारे चय ग्रहण 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 वही ग्रहण फिर असमाना सवर्ण दीर्घी भक्ति परस्य लोपम ग्रहणा वही ग्रहणा मही। अब पर हस्तनी में परस्मे पद में दी प्रत्यय आता है, यस्तनी के आदि में अटका आगम हो जाता है और दी और सी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप हो जाता है। दी और सी गुणी प्रत्यय है, ना विकरण अगुणी है, तो ना विकरण के कारण संप्रसारण हो जाएगा और धातु के आदि में अट धातुआदिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्ति सु सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा और दी और सी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप होगा तो पदांते दुटाम प्रतिमा लग जाएगा तो बनेगा आक्रीनात। द्वि वचन में उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदा सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा अक्रीणीताम। फिर उसके बाद में अन विकरण आएगा तो आ का लोप हो जाएगा आक्रीणन। सी प्रत्यय आएगा, सी में ई का अनुबंध लोप हो जाएगा, धातु के आदि में अटका आगम होगा। उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदा सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा विकरण संबंधी नाम में रहने वाले आके स्थान पर ई, और सा जो था उसका विसर्ग आदेश हो जाएगा रेप सो रस कार्यो विसृष्टा, तो बन जाएगा आक्रीणा आक्रीणा। फिर तम आएगा तो आक्रीणी तम उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदा फिर आक्रीणी। फिर अम आएगा, अम गुणी है, समाना सवर्ण दीर्घी भवति परस्य लोपम अक्रीणाम। फिर वा और मा आएगा तो उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदा अक्रीणीव और अक्रीणीम प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। आत्मने पद में ता प्रत्यय आएगा, ता धातु के आदि में अटका आगम हो जाएगा और अटके आगम होने के बाद में ना क्रियादे सूत्र से ना विकरण हो जाएगा। अब जो ता है सर्वेशा मात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या और ना विकरण अपने आप में अगुणी है, उसमें गुणी और अगुणी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए धातु को संप्रसारण हो जाएगा और संप्रसारण होने के बाद में ता प्रत्यय अगुणी है तो वेसा मीकारो व्यंजनादा वदा सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, तो ई आदेश होने पर बनेगा आक्रीणी आक्रीणीत। फिर आथाम आताम आएगा, आ का लोप हो जाएगा, फिर तो अक्री आ ग्री की नहीं चल रही, अपने तो ग्रह धातु चल रहे थे, ग्रह धातु के रूप चल रहे थे तो आ गृहिणी आ ग्रह धातु के रूप अपने चल रहे थे आ ग्रहण ग्रहणीत। उसके बाद में आत्मनिर्भर में अग्रहणीत अग्रहणाताम अग्रहणंत अग्रहणत माने आत्मनिचा नकारात। दी और सी पूरा ग्रह धातु में अग्रहणी ही ये पूरा हो गया और उसके बाद में आएगा अग्रहणीत अग्रहणाताम अग्रहणं अग्रहणत अग्रहणी था अग्रहणाताम अग्रहणी ध्वम। फिर ई आएगा अग्रहणी 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 वही और अग्रहणी मही। इस प्रकार से ग्रह धातु की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ह्यस्तनी में ये नया सूत्र जो हमारे बीच में आया है, बस इस सूत्र का आपको
ध्यान रखना है। बीच बीच में ग्रह धातु की प्रक्रिया चल रही थी और ग्रह धातु की प्रक्रिया में हो सकता है कि क्री धातु का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन अपने को ग्रह धातु के रूप चलाते हुए अग्रहणात और अग्रणीत परस्मे पद में विकरण में जो आता नामे आता वही रहेगा और आत्मने पद में ओवेसा मीकारो व्यंजनादा वदा सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, ये अपने को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रह धातु की प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। क्री धातु का भाववाच में चलाएंगे तो विक्रियते, प्रब्रियते और गृहते, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। विक्रियते में भी उपसर्ग लगा के बनाया है, ध्यान रखना, और ते प्रत्यय लेकर आए हैं। अब ते प्रत्यय लाने को सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण हुआ है और यण विकरण होने के बाद उसको हिरस्व आदेश करके ये दिखाया गया है। विक्रियते और ब्रियते में यकार का आगम हो जाता है, फिर यकार का आगम होने के कारण रीरी को रा आदेश हो जाएगा और ग्रह धातु में संप्रसारण हो ही गया है तो ग्रियते बन जाएगा। अब हमारी आएगी पुए पवने, पुए पवने धातु में विशेष कार्य होगा 19 ये दीर्घ धातुएं हैं, इन 19 दीर्घ धातुओं को ना विकरण के होने पर हिरस्व आदेश होगा अगले सत्र में। तो यहां तक हमने दुक्रिय द्रव्य विनिमय भ्रिय संप्रक्तों और ग्रह उपग्रह उपादाने इन तीन धातुओं की प्रक्रिया सिद्ध की है। ग्रह धातु में संप्रसारण हो जाता है, पूरे में ही संप्रसारण हो जाता है, लेकिन आदेश जो होता है आके स्थान पर जो ई आदेश होता है वो अगुणी प्रत्यय के आने पर ही होता है, ना गुणी अगुणी के विकल्प से रहित है, इसलिए अगुणी का ही ग्रहण लिया गया है। और ही विभक्ति में ना विकरण ना होकर आन व्यंजनांता धौ सूत्र से आन विकरण होता है स्वर सहित, बस इतना विशेष जानना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।